खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। संकुल केंद्र ग्यारसपुर में भर दोपहरी में लगे हैं ताले। जिम्मेदार शिक्षकों का अता पता नहीं। अभिभावक फोन लगाते हैं तो उठाते नहीं। सारा मामला ग्राम ग्यारसपुर जनपद ग्यारसपुर के संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट विद्यालय ग्यारसपुर का है। शिक्षक अधिकार नियम की उड़ाई जा रही है धजिया। अभिभावक भटक रहे। सत्यापन के लिए 28 मई को समय जगत ने अपने चैनल पर प्रमुखता से खबर चलाई थी कि ग्यारसपुर के संकुल केंद्र पर जिम्मेदार शिक्षक न होने की वजह से कई अभिभावक वापस लौट जाते हैं। अभिभावक शिकायत भी कर चुके हैं, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ग्यारसपुर SDM, जिला DO या कलेक्टर, अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज दिनांक 31 मई 2019 को एक अभिभावक सुबह के 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक अपने बच्चे का सत्यापन के लिए भटक रहे थे। वहां पर इंतजार कर रहे थे घंटों से और उन्होंने जब फोन लगाया तो फोन भी रिसीव नहीं किया गया। और संकुल केंद्र की प्राचार्य से संपर्क किया तो उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। ग्यारसपुर की मुख्यालय है जहां पर जनपद तहसील SDM सभी कार्यालय हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे शिक्षा जगत का बहुत बुरा हाल है। संकुल केंद्र पर कोई भी जिम्मेदार नहीं बैठता है, यह तो आपको पूर्व की खबर से अंदाजा लग गया होगा। अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ने अभिभावकों की खबर नहीं ली है। बड़े बड़े ढिंडोरे सरकारें पीटती हैं कि हर गरीब को शिक्षा मिले, मगर जिम्मेदारों की मनमानी के चलते कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। क्या इस प्रकार से राम भरोसे गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? अब देखते हैं इस खबर के बाद शिक्षकों या जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटती है या नहीं। यहाँ पे आप कब से खड़े हैं, किस इंतजार में खड़े हैं? सर, मेरी बच्ची का एडमिशन होना था, यहाँ पे सत्यापन करवाना था RTE में, तो 11 बजे का खड़ा हूँ मैं अभी तक। सर, आपने फोन लगाया, फोन उठाया नहीं उठाया? जी सर। क्या बोलिए, क्या बोलिए? नहीं, फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया? क्यों नहीं उठा रहे फोन? अब पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे। खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।